आज एक नए ब्लॉग के साथ एक नई गाड़ी का रिव्यू करने आया है। तो भाई बलेनो गाड़ी है और भाई ने अभी कुछ दिन पहले ही ली है, ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं है, तो धीरे धीरे कस्टमाइज़ करवा रहे हैं। तो भाई चलो पहले भाई से मिलते हैं और फिर भाई तुम्हें गाड़ी का दिखाता हूँ कि गाड़ी में भाई ने क्या काम करवा रहा क्या नहीं। तो भाई ये है भाई अपने शशांक भाई, क्या हाल है भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई, अपने बताइए। तो भाई ये अपनी बलेनो है, ये 2023 मॉडल है, इसको 2-3 मंथ्स हुए अभी लिए हुए, कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो ये अपना डेल्टा वेरिएंट है सीएनजी के अंदर, इसमें आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं जो अपनी बलेनो है उसके अंदर। एक आपको अल्फा मिल जाता है, एक डेल्टा, एक जेटा और एक सिग्मा वेरिएंट। तो भाई वैसे इस वेरिएंट के अंदर आपको और भी ऑप्शन होंगे i20 के, और भाई ऑप्शन था भाई एल्ट्रोज भी ऑप्शन था उसके अंदर, उस टाइम पर iCNG आई नहीं थी, और जो डील बलेनो भी मिल रही थी भाई, अब इसके काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है इस टाइम पर बलेनो के अपने, क्योंकि मारुति ने काफी ज्यादा न्यू कार्स लॉन्च कर दी, जैसे अपनी फ्रोंक्स इसी कॉम्पिटिशन में, और भी अपनी काफी ज्यादा कार है। तो इस टाइम पर जो अपनी बलेनो है इस पर डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है अपने को अच्छा खासा, तो उसके हिसाब से भाई फिर मैंने बलेनो प्लान की थी। i20 में आपको CNG का ऑप्शन नहीं मिलता है, एल्ट्रोज में अगर CNG के पास जाता हूँ तो भाई फिर उसकी मेंटेनेंस होगी एक तो, और फिर भाई उसकी रीसेल वैल्यू, तो उसके हिसाब से भाई मैंने कुल मिला के यही फैसला लिया अपनी बलेनो की तरफ जाते हैं। तो भाई अपना सेकंड टॉप मॉडल है ना? नो भाई, इसके ऊपर जेट आता है और उसके बाद अल्फा आता है, ये सेकंड बेस मॉडल है भाई। सेकंड मतलब सेकंड टॉप मॉडल, सेकंड बेस है, टॉप तो नहीं है, टॉप तो जेट आता है, सेकंड टॉप मतलब कि बेस से ऊपर वाला मॉडल है। मतलब 4 वेरिएंट आते हैं, ये थर्ड टॉप मॉडल है। हाँ थर्ड टॉप मॉडल लगा लीजिए। तो इसमें जो अपने कंपनी की तरफ से आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह मिल जाते हैं जो कि हैलोजन मिलते हैं, और जो इसके अंदर फोग लैंप है वो आपको मिलते नहीं भाई, आपको कंपनी के जेन्युइन एक्सेसरीज का पार्ट। तो भाई कितने के पड़े थे आपको ये? भाई ये पड़े थे 6,000 रुपये। तो भाई इनका कोई वर्थ है लगवाने का? वर्थ है भाई बिल्कुल लगवाने का, कंपनी की जेन्युइन चीज है, आपको अंदर चल के वो दिखाता हूँ, इसका जो बटन आपका कंपनी। तो भाई पहले एक बार बाहर से खत्म करते हैं फिर दिखाते हैं अंदर से। खत्म कर लीजिए। तो भाई ये वैसे नंबर कहाँ का अपना H21? भाई ये नंबर तो वैसे 80 का है, लेकिन फिलहाल हम भिवानी में रहते हैं भाई। अच्छा हाँ, और बात करें तो भाई आगे की तरफ से तो कुछ खास करवा नहीं रखा है, सिर्फ फोग लैंप लगवा रखे हैं, काम अभी धीरे धीरे होगा अपनी कार के अंदर, ज्यादा काम करवा नहीं रखा है। तो भाई अपने पीछे सिलेंडर दिखाते पहले, कितना बूट स्पेस मिल जाता अपने आपको? तो भाई ये जो कुछ है अपना सिलेंडर इसके नीचे है भाई, आपको एक बार सीट फोल्ड करके दिखा देते हैं अपनी कि आपको सिलेंडर कैसा मिलता है। तो ये कुछ ऐसा जो इसका CNG का सिलेंडर है वो आपको मिल जाता है, और भाई यहीं पे अपना स्पेयर टायर है। हाँ, और स्पेयर टायर भी आपको इसके अंदर यहीं पे मिल जाता है, लेकिन भाई इसके अंदर बूट स्पेस बिल्कुल नहीं मिलता, उसके लिए मैंने जो जुगाड़ है वो अपना बनवा रखा है जिससे कि अपना बूट स्पेस बन जाए। आप इस पर अपने एक को बैग आराम से रख सकते हैं, अदरवाइज आपको इसके अंदर बिल्कुल बूट स्पेस नहीं मिलता अगर CNG का जो सिलेंडर है, क्योंकि जो आपका जो एरिया हो जाता है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, मतलब कि ऊंचा नीचा एरिया हो जाता है जिसके लिए आप। तो भाई ये पावर फिल्टर लगाने के बाद तो अच्छा मतलब अच्छा बेनिफिट है इसका? हाँ इसका अच्छा बेनिफिट है, लेकिन जो इसकी कंपनी से पावर फिल्टर आती है वो मैंने उतार रखी भाई, जिससे कि ज्यादा ऊंचाई हो जाती है, फिर जो सामान है वो अपना कम आता है। और भाई पीछे ये कैमरा भाई बाहर से लगवाया? भाई ये कंपनी से नहीं आता, सॉरी ये आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, और जो ये अपना स्पॉइलर है भाई ये भी आफ्टर मार्केट जो है अपना लगवा रखा है। जो कैमरा है भाई ये शायद ब्लैक पंक या कौन सी कंपनी का लगवाया था आफ्टर मार्केट, जो अपनी जो स्टीरियो है जो कंपनी से आता है उसी के अंदर फिट कर दिया था। भाई देख लो भाई ने क्रोम लगवा रखा अलग से आफ्टर मार्केट, और एक कैमरा भी, और भाई बाकी भाई ने कॉस्टिंग हाई पड़ती है। भाई ये गंदा कैसे है हिंदू भाई? ये आपने दिल्ली में, आप सबको पता ही है कैसा पॉल्यूशन है, आज हम नजफगढ़ में खड़े हैं भाई के पास, तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है इसलिए हो गए भाई, अदरवाइज ये बिल्कुल साफ रहता है, इधर धूल मिट्टी उड़ती रहती है भाई। जैसे चलो भाई अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं, वैसे बाहर गर्मी बहुत हो रही है। तो भाई देख लो ये अपने की मिल जाती है अपने कंपनी से ही सेंटर लॉकिंग, बाकी भाई ने ये लगवा रखी है सक प्लेट। ये जो प्लेट है भाई एक इसमें दो ऑप्शन आते हैं ना, एक तो लाइट वाली भी आती है भाई, लाइट वाली की ये दिक्कत रहती है वो खराब हो जाती है पानी वगैरह लगता है, तो उसके हिसाब से मैंने ये लगवा ली, स्क्रैच वगैरह ना लगे, मेन काम तो इनका ये है, इसके लिए लगवाई थी, बाकी कोई शॉक वगैरह नहीं है भाई इनकी। ओ भाई आप नीचे फ्लोरिंग भी करवा रखी भाई ने, है ना भाई? फ्लोरिंग करवा रखी है, इस साइड तो मैंने सिर्फ एक मैट डाल रखा है क्योंकि मेरे को दिक्कत हो रही थी, अदरवाइज इसके अंदर GFX के मैट डले हुए हैं, आप अंदर बैठ के दिखा सकते हो भाई,
जो अपने GFX मैट आते हैं, ये भाई इनकी दिक्कत ये है, ये जल्दी खराब हो जाते हैं जो अपने मैट आते हैं GFX वाले। हाँ। तो उसके ऊपर मैंने जो ये अपने ग्रास वाले मैट आते हैं इंटीरियर के हिसाब से ब्लैक कलर के यही डलवा रखे अपनी कार के अंदर। तो भाई भाई अपने सीट कवर भी लगवा रखे हैं, सीट कवर भाई बिल्कुल पॉकेट फिनिश वाले सीट कवर है, और भाई इनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई पड़ती है, आपको पूरी सीट वगैरह निकाल के इनको सीट की कटिंग होती है भाई। हाँ। कटिंग के बाद इनकी जो फिटमेंट है वो करते हैं भाई। तो भाई वैसे यार फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है सीट कवर की, कुछ भी कहो फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी है मिलती है, लेकिन भाई आपको सीट वगैरह कटवानी पड़ती है, नई कार जब कटती है तो भाई बहुत ज्यादा। तो भाई क्या कॉस्ट पड़ गई थी आपको सीट कवर की? भाई सीट कवर की जो कॉस्ट अप्रोक्स 12,000 पड़ी थी मेरे को, जो की काफी ज्यादा हाई है मेरे को लगता है। अच्छा। वैसे इनकी 5 साल की गारंटी है भाई, अगर इनमें कोई भी फटते हैं या कुछ भी होता है तो भाई ये रिप्लेस करके देंगे। तो भाई कहाँ से करवाया भाई आपने काम ये? भाई ये काम अपने लोकल भिवानी से करवाया था, अपने भिवानी में एक कोटिया कार डेकोर के नाम से, उनसे जो अपनी कार में वो काम करवाया था। आप जो ऑन है भाई ये क्लच दबा की होगी, वैसे होगी नहीं, एक बार ऑन कर लीजिए आप। और जो भाई इसमें आपको जो म्यूजिक सिस्टम है ये आपको कंपनी से जो है मिल जाते हैं भाई। तो भाई वैसे इसमें ये स्टीयरिंग तो टॉप मॉडल का लगवा रखा भाई आपने? भाई स्टीयरिंग इसके अंदर आता है, उसके अंदर ये जो अपने बटन है ये वाले तो आते हैं म्यूजिक कंट्रोल के, कंट्रोल वाले। और जो ये स्टीयरिंग है भाई इसके अंदर मेनली तो ये रैप नहीं आता, इसके लिए लगवाया था मैंने। हाँ। और मैंने क्रूज कंट्रोल की बात कर रखी थी, लेकिन भाई अब तक क्रूज कंट्रोल बैलनों में कोई ऑन करके हमको दे नहीं रहा है विदाउट वायर कटिंग, वायर कटिंग होती है इसलिए फिलहाल ये ऑन नहीं है। और जो अपना स्टीयरिंग है इसके अंदर ये वाली फिनिश भी नहीं आती है, जो भाई फिनिश आती है ये टॉप मॉडल नहीं आती। तो इससे मतलब ये लगता है कि मतलब टॉप मॉडल बन चुकी है अपनी गाड़ी। टॉप मॉडल बन चुकी है, अगर आप रील वगैरह चलाओगे मतलब रील वगैरह बनाते हो या कुछ भी कार के अंदर से वीडियो वगैरह बनाते हो तो उसमें अच्छी लगती है जो अपनी है। तो बाकी भाई अपने एसी ऑटोमेटिक कंट्रोल आती है एसी में, या इसमें आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल एसी मिल जाता है जो की काफी ज्यादा अच्छा है भाई। ये आपके फैन के कंट्रोल्स हो गए, ये आपके मतलब टेम्परेचर हाई लो क्या हो गया, और ये फ्रंट और रियर के डिफोगर के हो गए भाई। तो भाई कितने दिन हो गए आपको गाड़ी लिए? भाई गाड़ी लिए को अप्रोक्स 2 से 2.5 महीने हुए हैं, ज्यादा टाइम हुआ नहीं। तो भाई कितनी चला दी आपने गाड़ी? आप मीटर में ही देख सकते हैं लगभग 3,600 किलोमीटर चली है लगभग, ज्यादा जो विशेष की रनिंग थी नहीं, अभी से खड़ी ही थी, लेकिन अब इसको मैं चला रहा हूँ तो आप थोड़े दिन बाद आपको फिर से रिव्यू शूट करवाएंगे इसका। तो अभी तो मैं इसका 3,600 किलोमीटर के हिसाब से इसका रिव्यू दे पाऊंगा कैसी क्या है अपनी बैलेंस। तो भाई वैसे आपने भाई 3,500 चला दी है तो आपकी एक फर्स्ट सर्विस तो ही होगी, फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। तो मारुति वालों का आपको कैसा वो लगा? भाई मारुति वालों की नेक्सा की सर्विस एक नंबर की है, बिल्कुल आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, और पहली सर्विस थी तो वो तो आपको पता है फ्री होती है, लेकिन उसमें मैंने इसके नीचे प्लास्टिक पेंट करवाया था जो की रबड़ पेंट, हाँ रबड़ पेंट कहते हैं जिसे हम, उसकी कॉस्टिंग अराउंड शायद 2,000 रुपये आई थी, बस वो रुपये लिए थे और तो उन्होंने कुछ लिया नहीं। अच्छा। और पूरी कार को वॉशिंग वगैरह करके अंदर से पॉलिश वगैरह मार के वो जो उन्होंने दी थी। तो भाई बाकी CNG गाड़ी में, और ये भाई CNG का स्विच यहाँ मिल जाता है, अपने स्विच कर सकते हो CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से CNG, और बाकी मैं आपको दिखाने कर रहा था वो आपको कंपनी वाला। और भाई ये अपना फोग लैंप का स्विच है यहीं से, ये आफ्टर मार्केट लगवाते हो तो आपको इस पे करके देते हैं अपने जो ये होती है अपने क्या कहते हैं इनको जो छोटे वाले बल्ब होते हैं इनको, तो हाँ इन पे करके देती है जो। और बाकी भाई ये देखो CNG के इसमें इसी के अंदर दिखाते हैं अपने CNG और पेट्रोल का। भाई अगर आप इससे ऊपर वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको मीटर का डिफरेंस मिलता है, उसके अंदर आपको मीटर डिजिटल मिल जाता है जिसमें कि आपकी कार का डोर वगैरह खुला है तो वो बताता है, लेकिन अगर आप ये वाला वेरिएंट लेते हैं डेल्टा और सिग्मा वेरिएंट लेते हैं तो उनमें सिर्फ ऐसा ही मीटर आता है, इसमें वो आपका डोर वगैरह खुला है तो वो नहीं दिखाता, मतलब कि कार बनी नहीं आती इधर, तो इसमें मीटर चेंज करवाने का भी मेरा प्लान है जल्दी इसका। तो भाई आपने 3,500 चला ली, तो आपके हिसाब से आपको अपने पैसे वर्थ लग रहे हैं? भाई पैसे मेरे को बिल्कुल वर्थ लग रहे हैं, एक तो इसकी एवरेज के हिसाब से, एक इसका मेंटेनेंस, इसको भाई मैं रात को मतलब कि कभी भी लेकर निकल जाऊँ कोई टेंशन वाली बात नहीं, एवरेज वगैरह कोई दिक्कत है ही नहीं। तो भाई वैसे तो अभी आप काम अभी तो कस्टमाइज कुछ ऐसा कुछ करवाया नहीं है? नहीं अभी से तो भाई नहीं, लेकिन धीरे धीरे भाई इसमें काम अभी करवाएंगे और इसको कस्टमाइज करवाएंगे, उसके बाद एक बार आपको फिर से इसका रिव्यू। तो भाई फिर भी वैसे आपने छोटा मोटा खर्चा करते करते भी कितने स्पेंड कर चुका है? छोटा मोटा खर्चा करते हुए भी मैं आपको बताऊँ तो अप्रोक्स 30K के आसपास मैंने स्पेंड किए, ज्यादा तो अभी से किए नहीं है क्योंकि मेनली तो ये सीट कवर ही हो गए 12,000 के। भाई स्टीयरिंग क्या कॉस्ट पड़ी थी? स्टेयरिंग भाई आपको वैसे लेने जाते हो आपको पड़ता है 5,000 रुपीज़ का, मतलब कि 5,000 का, लेकिन अपने पुराने वाले स्टेयरिंग का काट के कुछ करके 3,000 रुपीज़ का साइज चेंज कर देते हैं लगभग, अप्रोक्स मेरे को याद नहीं है इसकी कुछ कॉस्टिंग वगैरह की, स्लिप वगैरह घर पड़ी होगी तो मैं आपको दिखा भी दूंगा।
मैंने रख रखी है। तो कोई नहीं भाई, दोबारा रिव्यू आएगा आपकी गाड़ी का जब आप अपने और अच्छी मॉडिफिकेशन करोगे। मॉडिफिकेशन करके दिखा देंगे, लेकिन अगर इसके स्टीयरिंग चेंज की बात करें तो 5500 रुपीज का जो स्टीयरिंग है भाई वो इसका नया आता है, और कॉस्टिंग वगैरह जो भी काम हो रखा है उसकी देख सकते हैं। 29200 रुपीज का मतलब की हुआ था, टोटल 31200 का हुआ था, लेकिन 2000 का डिस्काउंट मिल गया था। और सीट कवर भाई मैं 12000 के बता रहा था, 13500 की सीट कवर है, लेकिन इनमें से अगर 1000 रुपीज का डिस्काउंट लगा लें तो 12.5 हो गए। और मैटिंग GFX वाली जो इसके नीचे मैट थे वो मैंने दिखाए थे, वो 1300 रुपीज के हैं। और डोर वाइजर वगैरह जो भी अपने छोटा मोटा काम है वो 600 रुपीज का था। और जो इसका स्पॉइलर और जो सॉकेट कैमरा, मतलब आप क्लच दबा के एक बार बैक कैमरा दिखा दीजिए, बैक कैमरा क्वालिटी वैसी तो नहीं आती भाई, बैक कैमरा क्वालिटी वैसे अच्छी है यार, कुछ भी कहो मतलब कि ठीक ठाक है। इसके जो सॉकेट वगैरह लगता है उसकी कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ मिला के आपको 4800 रुपये का जो बैक कैमरा है मेरे को भाई ये पड़ा था, क्योंकि स्पॉइलर भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। और इसके डोर गार्ड वगैरह ये तो आपको सभी को पता है, छोटे मोटे काम ये सभी करवाते हैं, तो यही कुछ ज्यादा कुछ काम हो नहीं रखा इसमें, यही काम हो रखा है भाई। तो वैसे कंपनी फिटेड के साउंड सुनाते हैं अपने, ठीक है? हां, कंपनी फिटेड जो अपना स्टीरियो इसकी साउंड आप सभी को भी सुना देते हैं। अभी NCS के सॉन्ग प्ले कर देंगे भाई की, भाई ये सॉन्ग प्ले कर दो। तो भाई अब NCS का सॉन्ग है वो हमने लगा लिया, तो अभी सॉन्ग प्ले कर देते हैं। साउंड आप के जान जाते हैं जी, पीछे आ बताया बंदे उठने की कोई नहीं, तो मैं तो पत्त मार दो बस बल्ले भाई। साउंड तो मतलब भाई कंपनी की डिसेंट सा है, हां डिसेंट सा है, कंपनी से ऐसी आती है जो अपनी। और फिर भाई ये ज्यादा हाई एंड लेवल की कार भी नहीं है उस हिसाब से, और अपना डेल्टा वेरिएंट है तो उस हिसाब से इसकी साउंड वगैरह ठीक ठाक है। कंपनी से जो आती है स्पीकर उनके हिसाब से देखें तो मतलब कि बेस वगैरह भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। अगर आप कार को बंद करके चार डोर बंद करके सुनोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, वैसे ठीक ठाक है साउंड। लेकिन अगर आपको साउंड के ज्यादा शौकीन है तो आपको स्पीकर चेंज करवाने पड़ेंगे। ये तो है भाई, साउंड वगैरह वैसे ही। तो भाई इसी के साथ अपने वीडियो का एंड चल रहा है। तो भाई आपको कितने की पड़ेगी थी अपनी ये गाड़ी? भाई ये अप्रोक्स 9 लाख के अप्रोक्स हमको जो ये अपनी बैलेंस पड़ी थी, 9 के आसपास का। मतलब कि जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो तो मेरे को ही नहीं पता है भाई, याद नहीं है। तो भाई अपने 3 एडवांटेज बताओगे इसके? एडवांटेज भाई राइड एंड हैंडलिंग बढ़िया है, मेंटेनेंस भी बढ़िया है इसका, और कुल मिला के ओवरऑल बढ़िया है। आपको जो ये डेल्टा वेरिएंट है उसमें फीचर वगैरह की भी कोई कमी महसूस नहीं होगी, और आपको आफ्टर मार्केट कोई काम करवाने की जरूरत नहीं है। हैंडलिंग की बात भाई मैं इसकी 100 से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर तक कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं कर रहा। बिल्ड क्वालिटी मतलब की देखें तो पहले वाले बैलेंस से काफी जो इन्होंने सुधार किया मारुति वालों ने। तो भाई बाकी डिसएडवांटेज देखे जाए तो क्या क्या लगती है आपको इसमें? भाई डिसएडवांटेज एक तो बूट स्पेस वाला होगा, बाकी भाई डिसएडवांटेज तो मैं क्या ही बताऊं इसके, मेरे को सही लगती है लगभग, मतलब बिल्कुल इस प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सही है। एक बिल्ड क्वालिटी आप मारुति की सभी को पता है, किसी भी कार की लगा लीजिए, एक अपनी ग्रैंड विटारा और जो अपनी विटारा बरेज जा रही है अभी इनको छोड़ के, इनकी तो अच्छी है। बाकी अदरवाइज बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता ही है, मतलब थोड़ी बिल्डती है इनका, सब कुछ खिंच जाता है भाई जो भी अपने। चलो भाई इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई बाकी भाई ने गाड़ी एक नंबर की बना रखी है अपने हिसाब से डिसेंट। तो भाई इसी के साथ वीडियो का